हेलो एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिए लाइक करना ना भूलें ठीक है तो हम इस सीरीज में सीटेड जनवरी 2023 के सिर्फ डिस्कस कर रहे थे रिसेंटली जो भी सीट ने पेपर ऑर्गेनाइज किया था उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन तो नंबर थर्टी तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी से स्टार्ट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है देखिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन सिक्स आवर्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मिनट्स इन ये आपको डेज दे रखा है ये बताना है कि छः घंटों में सेकंडों की संख्या जो है निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है ठीक है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक घंटे में कितना होता है साठ मिनट ठीक है और एक मिनट में कितना होता है साठ सेकेंड ठीक है और एक दिन में क्या होता है चौबीस घंटे ठीक है ये तीन बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं पता है तो याद कर लीजिए एक घंटे में साठ मिनट एक मिनट में साठ सेकंड और एक दिन में चौबीस घंटे ठीक है अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेकंड इन सिक्स आवर हो। कितने होंगे छः घंटे दे रखा है एक घंटे में कितने मिनट होता है साठ मिनट होता है एक मिनट में कितने सेकेंड होता है साठ सेकेंड होता है तो आपके कितने हो जाएंगे छत्तीस सौ ये आपका हो जाएगा दो ठीक है इतने सेकेंड्स हो गए आपके छः घंटे में छः घंटे में आपके कितने सेकेंड्स गए इतने हो गए uh, दो लाख इक्कीस हज़ार छः सौ सेकेंड्स होगा ठीक है अब बताना है कि इतने तो जो ये दे ये डेज दे रखे हैं ना इसमें मिनटों की जो संख्या होगी ये कितने के बराबर होगी मतलब इतने सेकेंड के बराबर होना चाहिए मतलब ये जो नंबर आया है ना इक्कीस ये कितने दिन में जितने भी दिन दे रखे हैं उसमें कितने ऐसे मिनट्स होंगे जो इसके बराबर होंगे ठीक है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे चलिए देखिए आपको सबसे पहले निकाल लीजिए एक दिन में कितना होता है चौबीस घंटा होता है ठीक है और एक घंटे में कितना मिनट होता है साठ मिनट होता है ठीक है तो ये टोटल कितना हो जाएगा एक दिन में अगर मैं निकालूँ एक दिन में कितने मिनट होंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस गुणी साठ ये कितना हो जाएगा छः को चौबीस छः दुनी बारह दो चौदह चौदह सौ चालीस मिनट हो गया ठीक है मतलब आपका एक दिन में 1440 मिनट हो गया और आपका इतना दिन दे रखा है और इसको क्या करना है इन दिनों को इस नंबर्स के बराबर करना है तो देख लीजिए ना इन दिनों को आपस एक इन दिनों के एक एक करके इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और देखिए किस कौन सा ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको ये नंबर मिल रहा है ठीक है तो पूरा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल से मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो बारह दे रखा है तो 12 को अगर 1440 से मल्टीप्लाई करोगे तो बारह चौक को अड़तालीस आएगा ना मतलब लास्ट में हमारा 8 आएगा लेकिन 8 तो है नहीं ये तो दो टू वन सिक्स डबल जीरो है तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 आए लास्ट में जो जीरो के जो बाद जो पहला नंबर है वो 6 आना चाहिए तो पहला नहीं होगा ठीक है ये नहीं होगा चौदह है चौदह चौक को छप्पन ठीक है छप्पन आएगा लेकिन हमारे पे यहाँ पर क्या है सिक्सटीन है ठीक है तो ये भी नहीं होगा ठीक है पंद्रह पंद्रह करते हैं तो पंद्रह चौको क्या होगा साठ होगा ठीक है और पंद्रह चौक साठ होगा फिर से चार से मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह चौक साठ और एक इकसठ ठीक है मतलब हमारा एक सौ साठ आ रहा है यहाँ पे और ये जो कि एक्जैक्टली इसे मैच कर रहा है तो हमारा हो जाएगा आंसर पंद्रह दिन ठीक है तो समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है अपन को एक एक करना है क्या करना है एक एक नंबर उठाना है और मल्टीप्लाई करना है बस मेरे को लास्ट डिजिट देखना है लास्ट डिजिट जो है किससे मैच करने पे हमारा जो नंबर्स था इक्कीस हजार छः सौ उसके छः से मैच कर रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर पंद्रह दिन हो गया ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने क्या किया तराजू के एक पैन पे ढाई सौ टू पॉइंट दो सही एक बट्टे दो किलोग्राम के बट्टे रखे नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पैन में क्या रखा दो सही एक बट्टे दो किलोग्राम का एक बट्टा रखा और दूसरे पलड़े में क्या रखा दूसरे पैन में दो सौ ग्राम और सौ ग्राम के एक बट्टे रखे तथा फल रखे फलों का वजन कितना है मतलब उसने क्या किया था ये तराजू था आपका इस पर क्या किया एक साइड में इसने दो सही एक बट्टे दो किलोग्राम का भट्टा रख दिया और इधर इसको सामान रखना है बट समान तो रख ही रहा है सामान जो रख रहा है मान लीजिए फ्रूट रख रहा है फ्रूट के साथ साथ क्या कर रहा है दो सौ ग्राम का प्लस सौ ग्राम का बट्टा रख दे रहा है आपने देखा होगा ना दुकान पर जब आप सब्ज़ी वगैरह तोड़ते हैं तो देखते हैं ना कि जिधर आप सामान रखते हैं उधर थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा हो रहा था तो एक बट्टा भी रख देते हैं फिर बता देते हैं कैलकुलेट करके आपका कितने ग्राम का सामान हो रहा है ठीक है तो वही सेम चीज़ है तो इसने एक पलड़े पर बड़ा वाला रखा दो सही एक बट्टे दो इसका मतलब कितना हुआ पाँच बट्टे दो किलोग्राम का इसने एक बट्टा रखा और दूसरे साइड पर क्या रखा फल भी रखा और साथ में दो सौ ग्राम और सौ ग्राम का बट्टा रखना तो आपको फल बताना है कि कितने ग्राम का होगा ठीक है देखिए सौ सारा ग्राम में दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो फाइव बाई टू किलोग्राम है ना इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक किलोग्राम में कितना होता है एक हज़ार ग्राम होता है तो पाँच बटे दो किलोग्राम में कितना होगा पाँच बटे दो इंटू एक हज़ार तो ये कितना आ जाएगा पाँच सौ यह हो जाएगा पच्चीस सौ ठीक है तो इतना ग्राम हो जाएगा मतलब हमारा जो ढाई सौ किल, किलो टू पॉइंट दो सौ एक बटे दो किलोग्राम जो बट्टा है इसकी वैल्यू कितनी है पच्चीस सौ ग्राम है ठीक है इसको आप ढाई किलोग्राम भी बोल सकते हो ठीक है तो इसका वज़न कितना आया पच्चीस सौ ग्राम मतलब एक साइड में क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या किया 2500 ग्राम का एक बट्टा रखा और दूसरे साइड क्या रखा है फल रखा हुआ है प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम तो इधर कितना है टोटल फल प्लस 300 ग्राम ठीक है तो आप बता दीजिए इधर ढाई इधर 2500 ग्राम है इधर फल प्लस 300 ग्राम है तो फल की वैल्यू कितनी आ जाएगी फल की जो वैल्यू होगी वो क्या करोगे आप पच्चीस में से तीन माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा बाईस ग्राम ठीक है बाईस ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसे किया मैंने देखिए कुछ नहीं करना था ढाई किलोग्राम दे रखा था पाँच बेटे दो किलोग्राम इसको मैंने क्या किया ग्राम में कन्वर्ट कर लिया कितना आ गया एक किलोग्राम में हमको पता है कि एक हजार ग्राम होता है तो पाँच बट्टे दो किलोग्राम में कितना आएगा पच्चीस सौ ग्राम आ जाएगा तो एक साइड में पच्चीस सौ ग्राम रखा है दूसरे साइड में कितना रखा फल प्लस तीन सौ ग्राम रखा है तो फल की क्या वैल्यू होगी फल की बाईस सौ ग्राम तो वैल्यू होगी तभी तो बाईस सौ प्लस तीन सौ पच्चीस सौ इधर भी आएगा पच्चीस सौ इधर भी होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईस सौ ग्राम ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया सी का फेवरेट क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है कि एक टाइम पे जर्नी स्टार्ट होती है तो एक टाइम पे पहुंचती है तो आपको टोटल टाइम बताना फेवरेट क्वेश्चन क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको कह रहा है कि रमेश ने उन्नीस बज के पचास बजे अपनी यात्रा शुरू की और तेईस बज के बीस मिनट पर जो समाप्त की तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताइए ठीक है मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ वो याद रखिए देखिए जो रेलवे का टाइम होता है ना वो क्या होता है हमारा जो टाइम होता है हम क्या बोलते हैं दिन के बारह बज रहे हैं रात के बारह बज रहे हैं दिन के दो बज रहे हैं सुबह के दो बज रहे हैं शाम के पाँच बज रहे हैं सुबह के पाँच बज रहे हैं ऐसे हम बोलते हैं लेकिन रेलवे में क्या होता है दिन सुबह कुछ नहीं होता उनकी घड़ी सिंपल जीरो से स्टार्ट होती है और क्या चौबीस पर खत्म होती है मतलब उनके घड़ी में क्या होता है एक बजता है दो बजता है दस बजता है बारह बजता है तेरह बजता है पंद्रह बजता है ऐसे करके चौबीस तक बजता है ठीक है ये उनका टाइमिंग होता है तो उनको टाइमिंग अपने हिसाब से सिंग करने के लिए क्या करोगे देखिए तेईस बज के बीस मिनट का मतलब जो होता है ना उनके हिसाब से उनके हिसाब से तेईस बज के बीस हुआ तो हमारे हिसाब से क्या करोगे आप इसमें से बारह माइनस कर दोगे तो ग्यारह बज के बीस मिनट ठीक है और हमको पता ये तेईस बज के बीस मिनट मतलब ये चौबीस बजने वाला है तो ये ग्यारह बज के बीस मिनट मतलब ये भी क्या है रात के बारह बजने वाले हैं तो मतलब ये ग्यारह बज के बीस मिनट क्या है ये दिन का नहीं है ये रात का टाइमिंग है ठीक है तो हम ऐस इस, इस, इस इसको नहीं लेंगे हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे लिए ईजी रहता है तो उन्नीस बज के पचास मिनट का मतलब क्या होगा शाम के सात बज के पचास मिनट इसका मतलब क्या होगा रात के ग्यारह बज के बीस मिनट इसका क्या मतलब हुआ रात शाम के सात बज के पचास मिनट ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्नीस बज के पचास उन्नीस बज के पचास बजे अपनी यात्रा शुरू की और तेईस बज के बीस बजे समाप्त की तो यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताइए अब मैं कहता हूँ कि उन्नीस बज के पचास से ये बाईस बज के पचास मिनट तक ठीक है कितना टाइम लगेगा मैंने क्या किया सिंपल क्या किया ये पचास था ना इसको हम नहीं छेड़ते हैं इसको इज रहने देते हैं पचास का पचास रखते हैं बस मैंने क्या किया उन्नीस से बीस किया बीस से इक्कीस गया बाईस गया तेईस बज के पचास क्यों नहीं किया क्योंकि तेईस बज के बीस ही तक हमको जाना है ना तेईस बज के पचास तो हम आके हाँ निकल जाएंगे जिससे हम क्या किया जस्ट एक पहले चल गए बाईस बज के पचास तो इस टाइम इस वाले इंटरवल में हमको कितना टाइम लगा उन्नीस पचास से बाईस पचास जाने में हमको कितने घंटे लगे तीन घंटे बाईस में उन्नीस गया तीन घंटे अब हमको क्या करना है देखिए बाईस पचास से हमको जाना है तेईस बीस तक कैसे जाओगे बाईस पचास में आप क्या करोगे दस मिनट ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा तेईस बज जाएगा ठीक है तेईस बज गया जैसे दस मिनट ऐड किया तेईस बज गया अब तेईस से तेईस बीस जाने में कितना लगा बीस मिनट लगा ठीक है तो टोटल बाईस पचास से आपका बाईस पचास से तेईस बीस जाने में कितना टाइम लगा दस मिनट इधर लगा बीस मिनट इधर लगा टोटल कितना लगा तीस मिनट ठीक है टोटल तीस मिनट लगा ऊपर कितना लगा था तीन घंटे लगा था तो फाइनली हमारा उन्नीस पचास से लेकर के तेईस बीस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तीन घंटा और तीस मिनट तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन घंटा तीस मिनट बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना होता है आपको कभी ये ना मिनट वाला चेंज नहीं करना होता है मिनट को आप क्या करिए एज इट इज एक ऐसे नंबर तक ले जाइए जहाँ आपको पूरा पूरा इंटीजर मिले जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया उन्नीस से मैं डायरेक्टली चला गया बाईस तक ठीक है एक तेईस पचास नहीं गया क्योंकि तेईस पचास से पहले तेईस बीस जाता था तो मैं बाईस पचास पर चला गया वहां से मेरे को पूरा पूरा मिल गया तीन घंटा उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके कि इस नंबर तक पहुँचने की कोशिश की तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जब पहुँचा तेईस बाईस पचास से पहले तेईस बजे पहुंचा तो दस मिनट लगा तेईस से तेईस बीस पहुँचा तो बीस मिनट लगा टोटल तो टाइम तीस मिनट लगा और पहले तीन घंटा ऑलरेडी रख चुका था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन घंटा तीस मिनट ठीक है तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का धारिता मतलब वॉल्यूम होता है टंकी का तीन बट्टे चार भाग पानी से भरा हुआ है ठीक है 200 लीटर है इसका तीन बट्टे चार भाग का का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है कितना हुआ 200 का तीन बट्टे चार निकाल कितना हुआ चार पच्चीस बीस पचास ये हो जाएगा डेढ़ सौ लीटर ठीक है मतलब दो सौ लीटर वाले धारिता वाली एक टंकी का तीन बट्टे चार भाग पानी से भरा हुआ मतलब डेढ़ सौ लीटर क्या हुआ ये पानी से भरा हुआ है ये कह रहा है इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए पाँच हज़ार एम वाली एक बाल्टी से पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा ठीक है कल्पना करिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है अब कह रहे हैं कि पाँच एम धारिता वाली एक बाल्टी से ना पानी उठा उठा करके कर इस वाले जो बड़ा वाला कंटेनर था दो सौ लीटर का उसमें भरा जाता है उसमें पहले से हमको पता है कि डेढ़ सौ लीटर पानी था क्योंकि मैं कह रहा हूँ तीन बट्टे चार भाग पहले से पानी से भरा हुआ है अब कह रहा है कि पाँच हज़ार एम एल पाँच हज़ार एम एल को पहले क्या करेंगे देखिए एम एल हम सबको पता है कि एक लीटर में क्या होता है एक हज़ार एम एल होता है ठीक है तो पाँच हज़ार एम में कितना होगा हज़ार से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा पाँच लीटर मतलब पाँच हज़ार एम का मतलब कितना होगा पाँच लीटर मतलब पाँच लीटर की बाल्टी से उठा उठा करके पानी दो सौ लीटर वाले कंटेनर में डाला जाता है और हमको पता है कि बड़े वाले कंटेनर में डेढ़ सौ लीटर ऑलरेडी है तो पूरा इसको भरने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी तो दो सौ लीटर की पूरी टंकी थी उसमें से डेढ़ सौ लीटर पानी था तो कितना खाली था पचास लीटर पचास लीटर हमारे पास खाली है इसी पचास लीटर को क्या करना है हमको पाँच लीटर वाले बाल्टी से भरना है तो कितना टाइम लगेगा कितना बार इसको डालना पड़ेगा पचास लीटर को क्या करोगे आप पाँच से डिवाइड कर दोगे तो आपका दस आएगा दस बार आपको क्या करेगा बाल्टी से उठा उठा, उठा करके डालना पड़ेगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस ठीक है कैसे किया देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ ध्यान से देखिए कह रहे हैं कि दो सौ लीटर धारित वाली टंकी थी उसका तीन बटे चार बार पानी से भरा था तीन बटे चार लिए एक सौ पचास लीटर पानी से भरा था तभी भी कितना खाली रह गया पचास लीटर खाली रह गया मतलब पचास लीटर अभी टंकी को हमको भरना है और इसी पानी को इसी खाली जगह को भरने के लिए वो पांच हजार बाल्टी का उपयोग करता है है ठीक तो पांच वाली बाल्टी का मतलब कितना हुआ पांच लीटर ही तो हुआ क्योंकि एक लीटर में एक हजार एमएल होता है तो पांच लीटर की बाल्टी से उठा उठा करके अगर पचास लीटर भरना है तो कितनी बार आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा पचास बटे पांच, तो आपका आंसर हो जाएगा दस ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे एक एक नियम होता है ना एक एक नियम कैसे एक एक नियम को हम कैसे यूज़ करते हैं जैसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि पचास लीटर को भरने के लिए पाँच लीटर वाली बाल्टी का कितना यूज करना पड़ेगा तो सिंपल से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए पाँच लीटर की बाल्टी से एक बार में भरा जाता है तो पचास लीटर जो टोटल पानी आपको भरना है उसके लिए कितनी बार यूज करना पड़ेगा आपको करेक्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पचास बट्टे पचास इंटू वन पचास हो गया पाँच नीचे आ जाएगा तो आपका आएगा दस लीटर आपको दस बार क्या करना पड़ेगा अब आपको उठा उठा करके बाल्टी से क्या होगा पानी आपको टैंक में डालना पड़ेगा ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री में कई बार बता चुका हूँ फिर से बता देता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसके जिसके करिस्पॉन्डिंग अगर आप एक लाइन खींचते हो तो क्या होता है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है जैसे क्या है ये वर्ग है वर्ग का ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके करिस्पॉन्डिंग अगर आप एक मिरर लगाओगे तो क्या होगा कि इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट बिल्कुल पार आइडेंटिकल आपको मिलेंगे तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सीमेट्री वर्ग में सब लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे मैं पहले भी बता चुका वर्ग में कितनी लाइन ऑफ सीमेट्री होती है रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है समांतर चतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सीमेट्री होती है और रोमबस जिसको सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज बोलते हैं उसमें कितनी लाइन ऑफ सीमेट्री होती है ऑलरेडी मैं ये चीज़ करा चुका हूँ जो लोग इस

देखिए वी में आपको एक लाइन ऑफ़ सिमेट्री मिलेगी यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो इस लाइन के क्रस दोनों के यहाँ आपस में मिलर इमेज है तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी एक्स है एक्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है कितना है एक ये है एक ये है दो तीन चार तो टोटल तो तो आपके एक्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी फोर एम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है एम में क्या है आपका एम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो यहाँ से क्या होगी एक लाइन खींचोगे आप तो एक दूसरे के क्या होंगे प्रॉपर इमेज होंगे ठीक है तो इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी एक होगी एन में कितनी होगी एन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि इसका आप कहीं से भी एक लाइन खींचोगे क्या होंगे एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनेंगी तो एन में क्या होगा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो यहाँ पे एन की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी जीरो होगी टी देखिए टी में कितनी लाइन ऑफ सीमेट्री होगी टी में भी केवल एक ही लाइन ऑफ सीमेट्री पॉसिबल है यहाँ से यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आइडेंटिकल होंगे तो इसकी लाइन ऑफ़ सीमेट्री वन होगी तो सबसे ज़्यादा जो लाइन ऑफ़ सीमेट्री मिल रही है हमको एक्स में मिल रही है तो एक्स किस में किस में है इसमें है इसमें है और इसमें है केवल सेकेंड में नहीं है उसके बाद क्या है वी में एक है एम में एक है और टी में एक है तो देख लेते हैं एक्स के साथ वी एम टी कौन कौन सा ऑप्शन आता है तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं एम एक्स और टी एक्स तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सीटेट ने एक मिस्टेक किया है यहाँ पर कि उन्होंने दोनों गलती से इसमें दोनों दे दिया है तो मुझे नहीं पता इसका उन्होंने क्या आंसर कंसिडर किया होगा लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा एम और एक्स और टी और एक्स ठीक है तो जिन लोगों ने भी चैलेंज किया होगा सीकेट ने बाद में उसका आंसर अपना करेक्ट कर लिया होगा सबको इसके मार्क्स दे दिए होंगे जिन लोगों ने भी अटैम्प्ट किए होंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एम और एक्स और टी एक्स दोनों की क्या होंगी एक्स की मैक्सिमम और एम e और टी की क्या है एक एक है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री और फोर ठीक है तो आई होप लाइन ऑफ से मेटरी आपको समझ में आ गया होगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तीन और दो तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या तीन और दो तिहाई ठीक है थ्री एंड टू थर्ड थ्री एंड टू थर्ड इसमें आपको क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि समकोणों में इतना तीन और दो तिहाई समकोण इसमें डिग्रियों की संख्या आपसे पूछ रहा था मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि एक समकोण में क्या होता है एक समकोण में आपका होता है नाइन्टी डिग्री तो आपसे पूछ रहा है तीन समकोण और दो बट्टे तीन समकोण में कितना हुआ तो तीन में कितना हुआ तीन गुड़े नब्बे या आपका हो जाएगा दो सौ सत्तर ठीक है दो सौ सत्तर डिग्री हो जाएगा और आपसे दो बट्टे तीन का पूछ रहा है इसमें कितने समकोण होंगे तो दो बट्टे तीन गुड़े नब्बे तो ये हो जाएगा तीन तीसम नब्बे ये हो जाएगा आपका साठ ठीक है तो तीन में कितने हो रहे हैं दो सौ सत्तर और दो बटे तीन में कितने हो रहे हैं साठ हो रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है कि तीन और दो तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी तो दोनों को ऐड कर दीजिए साठ प्लस दो सौ सत्तर आपका आंसर हो जाएगा तीन सौ तीस तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री थर्टी ठीक है क्या पूछा था तीन और दो तिहाई समकोड़ में डिग्रियों की संख्या तो तीन में क्या किया एक हमको पता है कि एक समकोण में नाइन्टी डिग्री होता है तो तीन समकोण में कितना होगा तीन गुड़े नब्बे इक्वल टू तो दो सौ सत्तर दो तिहाई में दो बटे तीन समकोर में कितना दो बट्टे तीन गुड़ इन नब्बे ये कितना हो जाएगा साठ ठीक है और दोनों का योग कर दोगे क्योंकि आपका दोनों का कम्बाइन पूछ रहा है तीन और दो तिहाई का तो दोनों का जब ऐड करोगे साठ प्लस दो सौ सत्तर तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा तीन सौ तीस ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये एक आपका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे टेबल्स दे रखा है ठीक है बेसिकली और कुछ कुछ यहाँ पे गेम खेले जा रहे हैं क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल बैडमिंटन और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सा क्रिकेट कौन सा स्पोर्ट्स बेसिकली खेल रहे हैं तो आपको बस बेसिकली इस टेबल को देख करके इसका आंसर निकाल देना कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं देखिए दे रखा है कि क्रिकेट नाइन्टी वॉलीबॉल पचहत्तर स्टूडेंट खेलते हैं फुटबॉल फिफ्टी फाइव बैडमिंटन सिक्सटी अब एक एक को पढ़िए क्या कह रहा है कह रहे है कि वालीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है ना बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है अब वॉलीबॉल बावल कितने पसंद कर रहे हैं सेवेंटी फाइव और बैडमिंटन कितने पसंद कर रहे हैं आपका सिक्सटी तो क्या तो क्या कह रहा है कि वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है आपको कम दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना सेवेंटी तो ज़्यादा है वॉलीबॉल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बैडमिंटन कम पसंद कर रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा क्या कह रहा है क्रिकेट पसंद करने वाले जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से पच्चीस अधिक है क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं देखिए क्रिकेट कितने पसंद कर रहे हैं नाइन्टी और बॉल फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं आपका पचपन ठीक है तो नाइन्टी में से पचपन कितना ज़्यादा है नाइन्टी में से पचपन माइनस करो कितना होगा दस में से पाँच जाए पाँच और आठ में से पाँच जाए तीन तो पैंतीस ज़्यादा है मतलब क्रिकेट जो है वो कितने विद्यार्थी ज़्यादा पसंद कर रहे पैंतीस विद्यार्थी फुटबॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा पसंद कर करें बट यहाँ पे कह रहे हैं पच्चीस अधिक है तो आपका क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से पंद्रह कम है तो फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं पचपन ठीक है और वॉलीबॉल ball कितने पसंद कर रहे हैं आपका पचहत्तर वॉलीबॉल सेवेंटी फाइव तो क्या आपको लगता है कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वॉलीबॉल ball पसंद करने वाले विद्यार्थियों से पंद्रह कम है कितना कम है आपका ट्वेंटी कम है ना तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है चौथा वाला आपका एग्जैक्ट आपका यही आंसर हो जाएगा मैंने एक एक करके चेक किया तो ये आपका मिल गया ठीक है आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या कर रहे हैं बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है बैडमिंटन कितने पसंद कर रहे हैं सिक्सटी ठीक है तो बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का दो तिहाई है क्रिकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं नाइन्टी ठीक है नाइन्टी इसका दो तिहाई इसका दो तिहाई करो कितना आएगा तीस तिहाई नब्बे इक्वल टू साठ मतलब ये कि करेक्ट हो गया यही है ना बैडमिंटन पसंद करने वाले साठ हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले का दो तीन कितना है दो बटे तीन इंटू नाइन का साठ मतलब ये दोनों इक्वल है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साठ इस वाले ऑप्शन का कोई ट्रिक नहीं होगा आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा ठीक है हो सकता है कोई स्टूडेंट फोर्थ नंबर से ही जाकर चेक करे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर आप पहले से चेक करते हैं तो आप लास्ट तक चेक करते रहना पड़ेगा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित की परीक्षा में तीस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त निम्न जो मार्क्स मिले हैं इस प्रकार दे रखे हैं ये नंबर्स दे रखे हैं इसमें आपको क्या पता करना है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर आपको पता करना है चलिए ठीक है ये एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा कि, कि कितने स्टूडेंट बीस से कम मिले हैं और किसको बीस या बीस से ज़्यादा मिले उनका आपको डिफ्रेंस बताना है तो एक, -एक करके हम क्या करते हैं इसमें काटते जाते हैं चलिए ठीक है तो बीस से कम वाला पहले हम काउंट कर लें उसको हम रेड पेन से काउंट कर देंगे ठीक है बीस से कम बीस से कम वाले में बीस नहीं काउंट करना केवल बीस से कम वाले को तो एक हो जाएगा अट्ठारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो बीस से कम कितने आया आपका बीस से कम कितने आया सोलह ठीक है सोलह आए थे ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है सोलह मिला था अब कितना हुआ अब बीस से ज़्यादा पूछ रहा है बीस से ज़्यादा और बीस या बीस से ज़्यादा कितना हुआ ठीक है हमको काउंट नहीं करना है बीस से ज़्यादा हमको काउंट नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि हमको दे रखा है टोटल तीस थे और हमको पता चल गया कि सोलह स्टूडेंट से जो बिन का स्कूल बीस से कम था तो बच्चे को कि कितना हुआ बीस या बीस से ज़्यादा होगा तो तीस माइनस सोलह आप कर दोगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा चौदह ठीक है तो चौदह स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बीस से क्या था बीस या बीस से ज़्यादा था तो इन दोनों का जो डिफरेंस आप लोग हैं ठीक है तो कितना आएगा सोलह और चौदह का जो आप डिफरेंस लोगे तो दो आएगा तो अब दो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कैसे किया देखिए स्मार्टली आपको यूज करना है ये नहीं कि आप दोनों ही काउंट करने बैठ जाएंगे दोनों काउंट नहीं करना है, बस आप क्या करिए बीस से कम वालों का काउंट कर लीजिए कितना आया सोलह उसके बाद आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट तीस हैं और हमको बीस से कम वालों का पता चल गया सोलह है तो माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल चलेगा कितने स्टूडेंट हैं जिनको बीस या बीस से ज़्यादा मिला हुआ है तो ऐसे मिले चौदह आपको तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा आपका हो जाएगा दो तो दो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है ये मैंने पूरा सेट आपको कंप्लीट करा दिया जितने कैलकुलेटिव मैथ सबको कंप्लीट करा दिया ठीक है तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर बाय